एवरीवन, माईसेल्फ नेहा एंड आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिनका टाइम पीरियड है 335 से 380 तक, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिसे हम गोल्डन इरा भी बोलते हैं। तो आप उनका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 335 से 380 तक का, जिनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी है उसकी जो नींव रखी थी उसको स्टार्ट किया था श्रीगुप्त ने। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट किंग, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं हमारे, उसमें हम समुद्रगुप्त का नाम देते हैं, क्योंकि जो ये गोल्डन एज थी इसकी स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम पीरियड से हुई थी। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे हुई थी। लेट्स कंटिन्यू। समुद्रगुप्त जिनका टाइम पीरियड था 335 से 380 तक, ये उनका रूलिंग टाइम पीरियड है। 335 टू 380 एडी तक इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड रहा। ही वॉज सन ऑफ गुप्ता किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड द क्वीन कुमार देवी, हु केम फ्रॉम अ लिच्छवी फैमिली। जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त फर्स्ट की, एंड ये उन्हीं के बेटे होते हैं समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी की शादी होती है वो एक पैक्ट के अकॉर्डिंग होती है, एक पीस ट्रीटी में होती है, कि मतलब पहले इनकी लड़ाई हो जाती है एंड देन उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो एक पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुमार देवी से शादी कर लेते हैं। हिज पिलर इंस्क्रिप्शन सिमिलरली डिस्क्राइब्स हिम हाउ चंद्रगुप्त कॉल्ड हिम अ नोबल पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर्स एंड अपॉइंटेड हिम टू प्रोटेक्ट द अर्थ। समुद्रगुप्त जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा लीनियंट पावरफुल रूलर एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए थे इन हिज टाइम। तो जो इनका अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जिसको हरिसेन ने लिखा हुआ है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, बेसिकली प्रशस्ति का मीनिंग होता है इन द प्रेज ऑफ किंग, रिटर्न इन द प्रेज ऑफ किंग। तो एक प्रशस्ति जो कि मतलब किंग्स की प्रेज में लिखी गई हो उसे हम बोलते हैं। और अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन दैट इज़ प्रयाग प्रशस्ति इनका जो है, उसमें चंद्रगुप्त ने डिफाइन किया है, बताया हुआ है इन्होंने कि कैसे चंद्रगुप्त ने इनको नोबल पर्सन, एक नोबल पर्सन एज अ नोबल पर्सन बोला है और अपॉइंट किया है इन्हें टू प्रोटेक्ट द अर्थ। जो समुद्रगुप्त थे वो स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री जनरल थे। इनकी क्वालिटीज़, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और आपको पता ही है कि टैलेंट की सभी प्रेज करते हैं, तो ये भी बहुत एक टैलेंटेड पर्सन थे। मतलब इनको आर्ट, लिटरेचर, उनके बहुत ज़्यादा पैट्रोनीज थे, ये आर्ट लवर थे। इनको कविराज भी बोला गया है, और ऑब्वियसली ये एक मिलिट्री जनरल और एक बहुत ही अच्छे रूलर शासक तो बने ही आगे चल के। द गुप्ता इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट समुद्रगुप्त हैड अ रिमार्केबल मिलिट्री करियर। इनका जो करियर था, मिलिट्री करियर जो था, वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था, बहुत अच्छा था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलिट्री जनरल थे। द एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त स्टेट्स दैट ही ब्रॉट द होल ट्राइब ऑफ किंग्स अंडर हिज सुजेरेनिटी। मतलब जो इनका एरन इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इतने ज़्यादा अच्छे राजा थे कि जो इन्होंने ट्राइब्स को जो था, ट्राइब्स किंग्स थे, जो ट्राइबल किंग्स थे, उनको भी अपने अंडर में कर लिया था। तो आप देखिए कि इनको जो बंगाल के आसपास का रीजन जो था वो इन्हें मिला चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त फर्स्ट मतलब अपने पापा से, लेकिन इन्होंने आगे उसका बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सपेंशन किया। इनकी मिलिट्री पावर्स के थ्रू, इनकी टैक्टिक्स के थ्रू इन्होंने उसका बहुत अच्छे से एक एक्सपेंशन कर लिया था। और मैं आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि जो अगर एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बाद कोई सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो था गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त ने इसको बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सपेंड किया था, एक्सपेंशन किया था अपने राज्य का। तो ग्रेट मिलिट्री जनरल कैसे थे ये? द लेटर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अ पायनेजेनिक रिटर्न बाय समुद्रगुप्ता's मिनिस्टर मिलिट्री ऑफिसर हरिसेन क्रेडिट हिम विद एक्सटेंसिव कंक्विस्ट। मैंने आपको बताया था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हरिसेन ने लिखा था, इनके कोर्ट पोएट थे जो, इनके मिलिट्री ऑफिसर भी थे जो, इनके मिनिस्टर ने लिखा था, और उनमें उन्होंने इनको बताया हुआ कि कैसे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे और कैसे उन्होंने विजय की सभी के ऊपर, इनकी प्रेज में वो लिखी गई थी। इट गिव्स द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट।
उसके अंदर प्राग प्रशस्ति के अंदर जो इनका जो रूल था, इन्होंने कैसे कंक्वेस्ट किया, कैसे इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया, कैसे सब किया, और हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स इन्होंने कैसे लड़ी, और जो इनकी बॉडी के ऊपर मार्क्स थे वो एक तरीके से मार्क्स ऑफ ग्लोरी थे कि उनकी प्रेज में जैसे हमें आज के टाइम पे अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, तो हम उन्हें घर पे लाके रख देते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जो इनकी बॉडी के ऊपर मार्क्स थे वो इनकी ग्लोरी का एक निशानी थी, वो इनकी बॉडी के ऊपर कि हाँ ये कितने अच्छे और एफिशिएंट और एविडेंट शासक हैं। और इन्हीं लड़ाइयों के लड़ने की वजह से इन्हें एक टाइटल मिला था पराक्रमा का, द स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर, जिसका मतलब है उनके पराक्रमा का जो डिजिग्नेशन था वो इसी वजह से मिला था कि ये कितने ज़्यादा एफिशिएंट जो थे मिलिट्री में थे, इन्होंने कैसे सभी चीज़ों को जीता। एक और चीज़ कि जो प्रशस्ति है मैंने आपको अभी बताया कि वो किंग्स की प्रेज में लिखी जाती है, राइट? हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक हमने सोर्सेज देखे हैं उससे यही पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट और एक ग्लोरियस जो राजा साबित हुए थे। द मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड डिस्क्राइब्स हिम एज एन एक्सटर्मिनेटर ऑफ ऑल किंग्स। जो चंद्रगुप्त सेकंड, इनके जो आगे बेटे आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, उनके मथुरा इंस्क्रिप्शन में इन्होंने इनको बोला है एक्सटर्मिनेटर्स ऑफ ऑल किंग्स, तुम खत्म कर दो सभी किंग्स को। और इनको ऐसा बोलना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया था, इनके आसपास कोई ऐसा था ही नहीं राजा कि जो इनको डायरेक्टली आके सामने से चैलेंज कर सके कि हाँ आप हमारे साथ लड़िए। एंड एज अ पर्सन हुज फेम वॉज टेस्टेड बाय द वाटर्स ऑफ फोर ओशंस, कि इनकी फेम के जो चर्चे थे वो चारों तरफ थे, वो चारों तरफ इतने ज़्यादा ये फेमस हो चुके थे कि हाँ इनकी टक्कर का कोई राजा है ही नहीं। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट समुद्रगुप्ता एम वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ अर्थ, धरनी बंध। जो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त का एम था वो था धरनी बंध, पूरी अर्थ को एक नोट में बांध देना, धरनी धरती एंड बंध बांधना। तो उनका एम था कि वो चक्रवर्तीन बने, चक्रवर्तीन सम्राट बने, एक रूलर बने बहुत बड़े, और धरती पूरी धरती को वो एक ही नोट में बांध दे, एक ही रस्सी से बांध दे, मिला दे उन्हें, ये उनका वो था। विक्ट्रीज, हम बात करते हैं इनकी विक्ट्रीज की। समुद्रगुप्ता अपरूटेड अच्युता नागसेना अमंग द किंग्स ऑफ आर्यव्रत, डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे अच्युत नागसेना, ये नॉर्दर्न इंडिया के जो प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसके जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट जो रूलर्स हम बोल सकते हैं वो थे, और इन्होंने उनको भी हरा दिया था। तो आप देख सकते हो भैया कि कितना ज़्यादा वो एफिशिएंट होंगे उस टाइम पे। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी दीज थ्री किंग्स वर वैसाल रूलर्स हु रिबेल्ट अगेंस्ट समुद्रगुप्त आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। समुद्रगुप्त क्रश द रिबेलियन एंड री इंस्टेटेड दैम आफ्टर दे सोट हिज फॉरगिवनेस। इसका मतलब है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो तीन रूलर्स थे ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के रीजन में वैसाल स्टेट्स रूलर्स थे, जो उनके अंडर काम करते थे। तो जब चंद्रगुप्त फर्स्ट की डेथ हुई तो उन्होंने रिबेल कर दिया। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई भी बड़ा राजा होता है बहुत ज़्यादा जिसने रूल किया हो, तो अगर उसके डेथ हो जाती है तो जो उसके अंडर काम करने वाले रूलर्स होते हैं वो एक बार तो रिबेल करते हैं। तो सेम थिंग उन्होंने भी की, उन्होंने रिबेल की, लेकिन हमें पता है समुद्रगुप्त जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे जनरल थे, तो उन्होंने उनको धूल चटा दी। उन्होंने बोला नहीं भैया हम आपको कैसे आने दे दें। तो उनका जो इस तरीके से तो उनका धरनी बंद का जो रूल था वो ख़त्म हो जाता, उनका सपना ही टूट जाता। तो उन्होंने उनको धूल चटा दी और हरा दिया उन्हें। लेटर दीज रूलर्स रिबेल्ड वंस मोर एंड समुद्रगुप्त डिफीटेड दैम अगेन। तो इन्होंने दोबारा से रिबेल की एंड दोबारा से वही हुआ कि इन्होंने जो रिबेल थी इनको हार माननी पड़ी। जो समुद्रगुप्त थे मैंने आपको बताया कि मौर्यन एम्पायर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा रीजन
बना हमारा, तो वो था गुप्ता डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया था। और जो समुद्रगुप्त की थी पॉलिसीज थी वो अलग अलग थी। देखिए अब आप एक ही तरीके से तो नहीं कर सकते हैं ना किसी पे भी वॉर या किसी भी कंट्री एरिया पे रूल। अब हमारा नॉर्थ का जो रीज़न है इंडिया के नॉर्थ का वो अलग एक कल्चर में है, साउथ का रीज़न अलग है, वेस्ट का अलग है एंड ईस्ट का अलग है। तो इसी तरीके से जो उनका जो ट्रीटीज़ थी मतलब उनकी जो नीतियाँ थी वो भी उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनाई। जैसे द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत जो हमारा नॉर्थ का पार्ट है उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली रूल किया, उनके ऊपर अपने अंडर मिला लिया। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ उन्होंने उनके साथ क्या किया, दे वर डिफीटेड बट समुद्रगुप्त अलाउड देम टू रूल अगेन, उन्होंने उनको हराया लेकिन उनको दोबारा से रूल करने को उनका शासन वापस दे दिया। बट इसमें एक चेंज था कि वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने बोला है तुम वैसाल स्टेट बन जाओ, रूल तुम ही करो लेकिन हमारे अंडर रह के। द इनर स्टेट्स मतलब जो इनको ट्रिब्यूट पे करती थी, ऑर्डर्स मानती थी इनके, और समुद्रगुप्त के जो कोर्ट्स थे उसको अटेंड करते थे वो। एंड द आउटर स्टेट्स जैसे मतलब मैरिज अलाइंसेस होते हैं कि आपने हमारी रिश्तेदारी में शादी करा दी, राजा से शादी हो गई तो चलिए हम आपके अंडर आते हैं एंड आज से हमारी बेटी आपकी, वो वाला सिस्टम था। तो मतलब जो इनकी पॉलिसीज आप देख रही हैं वो अलग अलग थी, इन्होंने ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से किया, और उस टाइम पर पॉलिसीज अलग होना ज़रूरी भी था। देखिए आज हमारा प्रेजेंट डे है, हम देखते हैं हमारे पास वाटरवेज हैं, रोडवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईवेज हैं, एयरप्लेन्स, हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं, फोन्स हैं, लेटर्स हैं, कितना कुछ है हमारे पास कि आज हम हमारे लिए वॉर आज के टाइम पे इजी होगा। बट उस टाइम पे आप देखिए कि पहले साउथ में जाओ, इतनी बड़ी मिलिट्री को ट्रांसफ़र करो, उनका खाना रहना सब कुछ अरेंज करो एंड देन वॉर कंडक्ट कराओ, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इस वजह से। तो उन्होंने इसको जो साउथ का रीज़न था उन्होंने इनडायरेक्टली जीता, बट इन होल हम बोल सकते हैं जीता तो था ना, एक इतना बड़ा एम्पायर कि जब पॉसिबल ही नहीं था उन्होंने तब भी पॉसिबल किया। आप साउथ के कंक्वेस्ट देख सकते हो उनमें कि इन्होंने कितने किन किन राजाओं को हराया था, 12 राजा जो ये इम्पोर्टेंट है, इनकी अलग अलग स्टोरी है बट दैट डजेंट मैटर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये नॉर्दर्न क्वेस्ट जो ये रुद्रदेव मतिला नागदत्त इनको हराया था, आप इनके भी नाम देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने मेंशन किए हुए हैं। देन आते हैं वेरियस टाइटल्स, इनके इतने मतलब इनको वेरियस टाइटल्स भी मिले हुए हैं। इनको कृतांति पराशु भी बोला गया है, एक्स ऑफ डेथ इनके कुछ इंस्क्रिप्शंस में। देन अप्रतिरथ ग्रेट वॉरियर, प्राकर्मा लाइक अ टाइगर इन स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया कि इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ वॉर को जीता था तो इन्हें एक टाइटल मिला था प्राकर्मा का, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड एट प्रेजेंट ही वॉज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई वी ए स्मिथ, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था वी ए स्मिथ ने। आप याद रखिएगा कि किसने बोला था बिकॉज इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई वी ए स्मिथ। देन आता है इनके कॉइन्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनिज थे, आर्ट लवर थे, इनको कविराज की भी उपाधि दी गई है, आर्ट लवर थे, पीस लवर थे, लिटरेचर लवर थे। तो मतलब इनके जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे कुशान से, जो दिनारा जो वर्ड था इनके कॉइन्स का वो इन्होंने कुशान से ही लिया था, और इनके जो कॉइन्स का टाइप था वो भी कुशानास का ही था। द आर्कर एंड बैटल एक्स कॉइन टाइप ऑफ समुद्रगुप्त शोकेस हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो आर्कर टाइप जिसमें कॉइन जिन कॉइन्स पे ये आर्कर टाइप मतलब इनके एक लेफ्ट हैंड में बो है एंड ये तीर धनुष चला रहे हैं, जो वो वाली डिपिक्शन है तो उसमें इनकी अलग से स्ट्रेंथ दिखाते हैं। कुछ में ये टाइगर की एक तरीके से इनकी टाइगर की डिपिक्शन हुई है, टाइगर स्किन में ये खड़े हैं तो उसमें दिखाया गया है इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कि ये कितने ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी। लेकिन हिज डिपिक्शन विद वीना, मैंने आपको बताया था ये म्यूजिक लवर थे, हिज डिपिक्शन विद वीना रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और इनकी जो वीना के साथ डिपिक्शन थी वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो शो करती है कि कैसे एक राजा इतना ज़्यादा महान, इतने बड़े राजा एक कैसे एक वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी भी है उनमें, और मतलब क्रुएलिटी नहीं थी, बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनमें क्रुएलिटी थी, क्रुएलिटी
डिफरेंट वर्ड होगा, हम उनके लिए एक स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं एज अ पर्सन. और वो वीना उनका जो था म्यूज़िक लवर, आर्ट लवर, लिटरेचर लवर हम उनको बोल सकते हैं, वो कैसे उनके अंदर वो उनका डिफरेंट एस्पेक्ट शो करता है. तो इन होल हम बोल सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और मैग्निफिशेंट ग्लोरियस राजा हुए हैं हमारी गुप्ता एम्पायर के. और इनको फिर उसके बाद सक्सीड करते हैं रामगुप्त. एंड रामगुप्त जो थे वो थोड़े से, मतलब बोल सकते हैं थोड़े इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उनके उनको सक्सीड किया था उनके ही दूसरे बेटे ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने. खैर वो तो दूसरी बात है. तो आज का हमारा, होप मैंने आपको समुद्रगुप्त का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर किया होगा. थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.